Mezzo. शैजी साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी निज़ाम है मुल्क में, वो किस अंदाज में चल रहा है और कौन इस मुल्क के सियासी निज़ाम के लिए लगता है कि वो खतरा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम दिन ब दिन आता जाएगा। मैं बड़ी सोच समझ के जुमला बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मुल्क में सबसे बड़े बड़ा सब चैलेंज है वो है इकॉनमी का चैलेंज, मईशत का चैलेंज। और मैं देख रहा हूँ जो चीज़ मुझे नजर आ रही है, अगर हमने कुछ और मजीद बेहतरी की तो हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसमें सब ने रोल प्ले करना होगा। उसमें हमें रोल ये प्ले करना होगा कि बाहर से हमें जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, हमें चेक करना होगा कि क्या ये टैक्स ड्यूटी पेड चीज़ें हैं नहीं है, क्या हम लोग टैक्स देते हैं नहीं देते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़े बड़ा एक डायलेमा ये है कि हमारा सिर्फ 5% से भी कम पॉपुलेशन जो है हमारी, वो टैक्स भरती है। हमें टैक्स नेट में लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आज हमने जैसे बात की मैं कि हमने मैंने हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की, मैंने कहा जी पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिंध में हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं। तरह सरकारी हॉस्पिटल पर सरकार का पैसा लग रहा है, सरकार का पैसा मतलब वो पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक का पैसा लग रहा है। लेकिन अगर मैं चले ठीक है, एक आदमी जो कि टैक्स भरता है उसको तो वो फ्री में होना चाहिए, लेकिन जो शख्स साहिब हैसियत है और टैक्स नहीं भरता तो क्या उसका क्लेम बनता है? हालांकि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसको गलत वे में ले जाए कि हॉस्पिटल पहले पूछे कि तुम टैक्स पेयर हो या नहीं हो, मैं ये बात नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे। हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी में जाएगा उसकी ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन आज जो शख्स करोड़ों रुपए कमा रहा है और वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसूलन उसका कोई क्लेम नहीं बनता। बट ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सब टैक्स नेट में आए, मुल्क की जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। सियासी सूरत हाल का इस वक्त जो है वो गर्मा गर्मी हमेशा रही है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलकर बैठें, और इसको मैं कह रहा हूं कि तमाम जितने भी लोग पाकिस्तान में जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब साथ बैठें, इस मुल्क को सबने मिलकर चलाएंगे तो ये मुल्क बेहतर तरीके से चलेगा। अगर हर एक ने अपनी अपनी जो है वो विंड में गया या डायरेक्शन में गया तो ये मैं समझता हूं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन पहले से हालात बेहतर होंगे, पहले से मईशत बेहतर होगी। हमें पूर्व उम्मीद होना चाहिए, हमें अपने जहन से नेगेटिविटी को थोड़ा सा और कंटेन करें। अच्छा, अभी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कराची में आए थे और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की एक हाई लेवल मीटिंग की थी। उनमें उन्होंने 3-4 चीज़ों पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सख्त जो उनका आखिरी क्लोजिंग नोट था उसमें एक तो यह था कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर की